क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, गिव वन एग्जांपल। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो है वो एक मेथड है प्योरिफिकेशन का मेटल्स के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक एनोड लेंगे, एक कैथोड लेंगे और एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। एनोड पे जो है मेरा इम्प्योर मेटल का एक ब्लॉक होएगा और कैथोड पे जो है मेरी प्योर मेटल की एक स्ट्रिप होगी। और इलेक्ट्रोलाइट जो है मेरा वो भी इसी मेटल का एक सॉल्युबल सॉल्ट होएगा, प्रेफरेबली डबल सॉल्ट। तो इसमें क्या होएगा मेरा, जब मैं इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो मेरा इम्प्योर मेटल जो है वो यहां से डिजोल्व हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास करेगा और मेरी प्योर मेटल की प्लेट यानी कैथोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो मेरी ये जो प्लेट है ये बड़ी होती रहेगी विद टाइम और ये जो मेरा ब्लॉक है ये श्रिंक करता रहेगा और बाकी जो इसके साथ इम्प्योरिटीज थी क्योंकि वो इस सॉल्ट में सॉल्युबल नहीं होंगी वो यहां पे डिपॉजिट होने लग जाएंगी। ये जो इम्प्योरिटीज डिपॉजिट होती हैं हम इसको कहते हैं एनोड मड। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मैं कॉपर की प्योरिफिकेशन के लिए यूज कर सकता हूँ। तो मेरी जो स्ट्रिप होएगी वो प्योर कॉपर होएगा, मेरा जो एनोड होएगा वो एक कॉपर का इम्प्योर ब्लॉक होएगा या पीस होएगा और मेरा इलेक्ट्रोलाइट कोई भी कॉपर के सॉल्ट का सोल्यूशन होएगा। स्टॉप ऑन नहीं किया माइक सर, ऑन था एनोड मड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सर पहले आ रही थी तो यहीं से कंटिन्यू कर लो ना। हाँ ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट। तो मेरा जो, अगर मैं एग्जांपल देखूं, मैं कॉपर मेटल को हाइड्रोलिसिस से, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से प्योरीफाई कर सकता हूं। तो अगर मेरा जो मेरा कैथोड होएगा वो मेरी कॉपर की एक प्योर स्ट्रिप होगी, मेरा जो एनोड होएगा वो कॉपर का एक इम्प्योर ब्लॉक या पीस कुछ टाइप का होएगा और मेरा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कोई भी कॉपर का सॉल्ट का सोल्यूशन होएगा। तो मेरे कॉपर के अंदर जो इम्प्योरिटीज होंगी वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगी और वो इम्प्योरिटीज usually gold, silver, platinum, ऐसे inert metals होंगे। ये इसलिए useful होते हैं क्योंकि इन inert metals को मैं किसी भी chemical process से purify नहीं कर सकता क्योंकि ये किसी और चीज के साथ react ही नहीं करते हैं। तो क्योंकि मैं इनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से निकाल सकता हूँ इसलिए मेरे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग काफी यूजफुल प्रोसेस होता है।
अगर मैं अपने एनोड और कैथोड पे देखूं तो मेरे एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो होगी Cu forms Cu plus 2 plus 2 electrons. ये जो कॉपर है ये मेरा इम्प्योर कॉपर है इस ब्लॉक के अंदर, इसने आयंस फॉर्म करे और वो इस इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व हो गया. फिर ये आयंस जो हैं ये मेरे कैथोड पे पहुंचेंगे और वहां पे ये रिड्यूस होके प्योर कॉपर की फॉर्म में इस वाली स्ट्रिप पे डिपॉजिट हो जाएंगे.